वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दुर्गा रिएक्शन में स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली, टाइटल है कि मोहम्मद लास्ट वॉर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वॉर के बारे में दिखाएंगे, सर बताएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मक्का बहुत मुश्किलों से फतह करने के बाद अब पूरे अरब को यह पता चल गया था कि मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं, जिसके बाद बहुत तेजी से पूरे अरब से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और ये इस्लामिक एम्पायर पूरे अरब में फैलने लगी। अब मुसलमानों के लिए अरब में कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन अरब से बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर अरबों को यूनाइट होते देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये बातें फैलने लगी कि बहुत जल्द रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमला करने वाली है ताकि वो अरबों को यूनाइट होने से रोक सके। कुछ लोगों ने कहा कि रोमन्स 40,000 और कुछ लोगों ने कहा कि 1,00,000 की फौज लेकर रोमन्स मुसलमानों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे मुसलमान हर टाइम अलर्ट रहने लगे कि किसी भी टाइम रोमन्स हमला कर सकते हैं। तो आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 9 साल बाद रोमन एम्पायर से जंग का ऐलान कर दिया और इनके खिलाफ मुसलमानों की एक फौज जमा करना शुरू कर दी। इससे पहले जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इलाके पर हमला करते तो वो जंग से पहले किसी को भी ये नहीं बताते कि वो किस पर हमला कर रहे हैं। अब हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही पूरे अरब को ये बता दिया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं और सबका, हर मुसलमान का इस जंग में शरीक होना फर्ज है और जो मुसलमान भी इस जंग में शरीक नहीं होगा उसे मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर को हराकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुकी थी, जिसको चैलेंज करना इम्पॉसिबल हो गया था और सबका यह ख्याल था कि अरबी जो अभी कुछ ही अरसा पहले यूनाइट हुए हैं वो कभी भी रोमन एम्पायर से नहीं लड़ सकते और मुनाफिकों ने भी मुसलमानों को रोमन एम्पायर की ताकत से डराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोमन एम्पायर से जंग के ऐलान के बाद अरब में दो फ्रैक्शंस बने। एक जो अपना सब कुछ कुर्बान करके बगैर किसी खौफ के मदीना की तरफ जंग में शामिल होने के लिए रवाना हुए और दूसरे वो जो इस इतने खतरनाक जंग से बचने के लिए बहाने बनाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब से लोगों ने इस फौज को ज्वाइन करना शुरू किया और आखिर इस फौज का नंबर 30,000 तक पहुंच गया और ये फौज अरब की सबसे बड़ी फौज बन गई। लेकिन इतने बड़े फौज को मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये जंग मुसलमानों को साल के सबसे गर्म टाइम में करनी थी और वो भी अरब की गर्मी, जिस वक्त पूरे अरब में कहत फैल चुका था, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों से इस फौज के लिए फंड इकट्ठा करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद हर मुसलमान अपनी ताकत के मुताबिक इस फौज के लिए फंड इकट्ठा करने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक हर जंग के बाद जो भी माले गनीमत हासिल करते थे उसे बहुत जेनरसली पूरे मुसलमानों में तकसीम कर देते थे। तो अब मुसलमानों की बारी थी कि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी तरह मदद करें। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो हमेशा अच्छे कामों में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक स्टेप पीछे रहते थे, उन्होंने इस बार अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से जीतने के लिए सबसे पहले जाकर अपनी सारी दौलत का आधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। लेकिन कुछ ही देर बाद अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सारी दौलत और अपने घर का सारा सामान लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और एक बार फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से आगे निकल गए, जिसके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त मदीना के बाजार की सबसे मालदार शख्सियत थी, उन्होंने 900 ऊंट, 100 घोड़े और 1,000 दिनार डोनेट किए और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी बहुत सारे ऊंट, घोड़े और माल डोनेट किया। ये तो वो सहाबी थे जिनके पास अपना बिजनेस और काफी दौलत थी, लेकिन वो सहाबी जो बिल्कुल गरीब थे उन्होंने भी इस फौज के लिए डोनेशंस की, जिनमें से एक ने सारी रात मेहनत करके चंद खजूर कमाए और वो थोड़े से खजूर भी इस फौज के लिए डोनेट कर दिए। इतने सारे डोनेशंस के बाद भी 30,000 के इस फौज को मैनेज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई हर 18 सहाबा के लिए सिर्फ एक ऊंट था और तबूक मदीना से 700 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने के लिए एटलीस्ट 15 दिन का सफर करना था। तो 18 सहाबा एक ही ऊंट को बारी बारी राइड करने लगे, जो बहुत मुश्किल काम था ही, लेकिन
कुछ ही दिनों बाद रास्ते में मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को मजबूरन इन ऊंटों को भी ज़िबा करना पड़ा। लेकिन इतने सख्त हालात में भी सबको पता था कि उनमें से कोई भी पीछे रह गया तो मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सारे मुसलमान इस सब के बावजूद भी आगे बढ़ने लगे, लेकिन एक सहाबी अपने ऊंट की वजह से इस फौज से पीछे रह गए, अबू ज़र गफ़ारी। तो उन्होंने अपना ऊंट वहीं छोड़कर पैदल तबूक की तरफ बढ़ने लगे। ये फौज रास्ते में आले समूद के इलाके से भी गुजरी, जिन्होंने एक जमाने में पहाड़ों के अंदर बहुत जबरदस्त और आलीशान बिल्डिंग्स बनाई थी। इनकी तबाही को देखकर मुसलमानों का ईमान और मजबूत हो गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके के पानी को यूज करने से मना कर दिया। आखिर 15 दिन बाद मुसलमान फाइनली तबूक पहुंच गए। तबूक मुसलमानों के एम्पायर से बाहर गसानी किंगडम के बिल्कुल सेंटर में एक सिटी थी, विच मीन्स मुसलमान अपना इलाका छोड़कर दुश्मन के इलाके के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच गए। और वहां पहुंचते ही मुसलमान रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए और सफों में खड़े हो गए। लेकिन काफी टाइम इंतजार करने के बाद भी नथिंग, बिल्कुल खामोशी, और कोई भी मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं आया। अब यहां पर कुछ कंफ्यूजन है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि रोमन्स मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर डर गए और जंग से पहले ही उनकी फौज इधर उधर बिखर गई, क्योंकि मुसलमान इससे पहले हर जंग में अपने से 3 गुना बड़ी फौज से लड़ती थी। बदर में मुसलमान 300 और दुश्मन 1000, ओहद में मुसलमान 1000 और दुश्मन 3000, और खंदक में मुसलमान 3000 और दुश्मन 10000। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कभी किसी फौज ने मुसलमानों पर हमला किया ही नहीं था, ये बस अफवाहें थी। जो भी था, इस वाकये के बाद पूरे अरब में ये बात फैल गई कि मुसलमान फौज लेकर रोमन एम्पायर के बॉर्डर तक गई और उन्हें जंग की दावत भी दी। लेकिन रोमन एम्पायर, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, मुसलमानों से डर के जंग से भाग गई। अब तक पूरी दुनिया मुसलमानों को बस एक छोटी सी फोर्स समझते थे, लेकिन इस वाकये के बाद मुसलमानों को पूरी दुनिया एज अ ग्लोबल पावर देखने लगी। तबूक के पास जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे वो अब तक रोमन एम्पायर के अंडर रहते थे, लेकिन मुसलमानों की इस ताकत को देखने के बाद उन्होंने रोमन एम्पायर को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर कर दिया और जिजिया देने का भी वादा किया। और जो स्टेट्स अब तक रोमन एम्पायर के गुलाम थे, अब वो मुसलमानों के वेसल स्टेट्स बन गए। और अब पहली दफा मुसलमानों की इस सल्तनत के बॉर्डर्स डायरेक्ट दो बड़े सुपर पावर्स, रोमन और पर्शियन एम्पायर से टकरा गए और पूरी दुनिया मुसलमानों को एक सुपर पावर की तरह देखने लगी। इन छोटे किंगडम्स के सरेंडर करने की वजह से मुसलमानों को बहुत सारे घोड़े, ऊंट और सोना मिला। और आखिर 20 दिन तबूक में स्टे करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये 30,000 का लश्कर वापस मदीना पहुंचे, जहां इनको बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया, क्योंकि जो फायदा मुसलमानों को रोमन से जंग के बाद हासिल होना था वो बगैर किसी जंग के मुसलमानों को मिल गया। और मुसलमानों के दरमियान जो ट्रेटर्स, मुनाफिकीन थे, वो भी सारे मुसलमानों के सामने आ गए। मदीना पहुंचने के बाद बाकी सारे अरब कबीले भी इस्लाम कबूल करके इस एम्पायर में शामिल हो गए और पूरा अरब बुत परस्ती, आइडोलेट्री को छोड़कर एक ही अल्लाह की तरफ आने लगा। लेकिन उसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में मिशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये जंग तबूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी जंग, क्योंकि इसके कुछ ही साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी दिन है। सच में कितने अच्छे तरीके से बताया सर ने, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया हिस्ट्री के बारे में और किस तरीके से मतलब ईसाइयों में, यहूदियों में लड़ाई हो रखी थी, और इसे बता रखा है मुस्लिमों से रिलेटेड भी दिखा रखा और क्रिश्चियन से रिलेटेड भी। किस तरीके से इस वीडियो के जरिए हमें देखने को पता चला कि किस तरीके से लड़ाई होती हुई थी, और ये भी नहीं पता था कि मंदिरों को तोड़ के मंदिर न्यू बनाए गए, लेकिन लोग अफवाह फैलाने में, झूठ झूठ बातें करने में बहुत ज्यादा आगे रहते, तो उनका कुछ किया नहीं जा सकता। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छी लगी, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।